महाप्रभु को कथा कहला बेले शब्द कम पड़ जाए जेहेतु प्रतिक्रिया देवा को जो इच्छा थिले भी बाहरी आसे ना से शब्द गुड़िक कौट आसते आज्ञा केमती भाव में महाप्रभु एत समय अपेक्षा रही सुजोग मिल पूरा मानने बहुत खुशी पूरा मान जगन्नाथ देखे पूरा जीवन टाइम सार्थक हो तो सही बयस आज के मतलब 64 बिना शीत वस्त्र पलि आस महाप्रभु धाई शीत भी तो लगुनि शीत लगुच दर्शन को आसो महाभाग्य शीत लगुच पिंधुचित पूरा शीत पड़ी तुम मन को शीत हाँ कहते पूरा मुझे कपड़ा पड़ी समस्त शीत यही बयस ऊर्ध बयस महाप्रभु पाक आसापी की इच्छा आज्ञा कौन मनोभाव रही महाप्रभु पाक जी मंगला आरती दर्शन प्रथम हूँ ठाकुर मैं गोटे आशीर्वाद ना ये जगह ये पिंडा चकुड़ी हेनी से दुख से जंत्रा मन में रखिकी पहाड़ आशा कालिया सांधु को दर्शन कराया से जो स्वर्ग से संस्कार से जो अनुभूति किसी मैंने जानपर लगे गोटे अनुभूति मान ये गोटे कषण से मैंने जीवन में केत दुख जंत्रा आसे से कहते जहाँ जो तू मो पाख पल तोर जिते दुख कष्ट अच्छे मुझे सब झाड़ दे माँ जी पु जन्म देलापर जी तार सेवा शुश्रूषा करी सुख श्रद्धा स्नेह दुख कष्ट जमी जानते से कालिया शांत हो महाल मन कर किसी कष्ट दुख नहीं गला फिल हुए ना 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 से भारी तो सी नहीं गला सी गल मुझे छाड़ी तक पति करदेली तू जा आधे जिते तेजे मन पड़े इन मो पाक पल आसला बुझे वृंदावन जन्म जगार जमी जी सब दिन राति मान कि जाणिना जमी बालीला करदेपर कौन गले ना द्वारिका गले द्वारिका पर जा राधा भेष राजा गादी में बसिले से आसिले कहे जगन्नाथ स्वामी नयन पथर गामी तुम जिते जुआ जाऊ जहाँ कर जगन्नाथ धाम न आसिले तुमको गतिमुक्ति नाई कि अन्न प्रसाद नाई कि यही आनंद बजार कि यही बड़ दांड कि यही बड़ रथ कि यही बड़ द्वार ना बुझे से जय जगन्नाथ समस्त मनस्कामना पूर्ण करूँ समस्त को आशीर्वाद करूँ जे बाधा विघ्न रिष्ट खंडन करूँ ये तो करोना दु वर्ष लोक बहुत हंतसंत करदे आगे लोक बहुत पीड़ित होती भांगी जाइंस भी हे जगन्नाथ जिते बारे दांड खोल जाए कौट कौट भक्त आसार किसी परिकल्पना करहबना जय जगन्नाथ जय एवं सबकि बड़ बड़ दांड बड़ से नेत बड़ श्रीमंदिर सबकि बड़ आ श्रीमंदिर आप जानते श्री अर्थ लक्ष्मी लक्ष्मी अधिष्ठान ये हूँ लक्ष्मी मास मार्गशीर मास श्रेष्ठ मास बोली देवमत बेचना कर दर्शन करने को जाए रही महाप्रभु कहीं समर्पण भाव जो नैवेद्य रखिंट कौन महाप्रभु जनइबे अनुभव रही महाप्रभु अनुभूति मु कहले मो आखिरे भी एपर्तंत लुह रुहे ना कथा मु कौन कह जगन्नाथ मोर हो मानने जी कहती आत्मार ठाकुर मुंपाई कह भी पार नहीं किसी बहुत जिनस अनुभव करके सबकि प्रभु को इच्छा आ मन इच्छा जाए पूर्ण करेंगे फेर का ठाकुर दर्शन आसी करी एत जय जगन्नाथ दर्शन मिले बहुत आनंदित लगे आउ ठाकुर हूँ मोर प्रिय आराध्य देवता मु ठाकुर को बहुत भल पाए आ चाहे ताइ ठाकुर मत भले रखिंट सब से कालिया इच्छा प्रभु जय जगन्नाथ प्रभु देखे आपण ये दृश्य कार्तिक मास देखी समस्ते भावती कार्तिक टे गहली अधिक लगे जे बड़दाण्ड में ना से किसी ना बड़दाण्ड सिंह सदा सर्वचल मैंने यही निमज्जित होता जे किए नृत्य मध्यम किए गीत मध्यम किए भजन मध्यम किए जनाण मध्यम किए कौ भाव रखी से समर्पण मनोभाव रखिकी एकाठी होता समबेत स्वर में गान करती नृत्य करती
ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ସାଥିରେ ମୃଦଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ରଖିକରି ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପୋଷାକରେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେମିତି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଯେ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମନ ପୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ହୋଇ, ସେମିତି ଭାବରେ ପୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଭକ୍ତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗିନି ମୃଦଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଞ୍ଜ ଏଥିରେ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଏବଂ ସବୁଦିନ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାଏ ଟିକେ ଏଇ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ କି ଏଇଭଳି କିଛି ଯେଉଁ ଚେତନା ନେବା ପାଇଁ କି ଏଇଭଳି କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ କି ଏବଂ ଇଏ ସେଇ ସମୟ, ଇଏ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।